कभी कभी अपने घर के फर्श, दीवार व सामान में एक काले भूरे नन्हे से जीव को चलते हुए देखते हैं। इस जीव को चींटी कहते हैं। देखने में चींटी एक सामान्य जीव लगती है, लेकिन यह छोटा सा जीव तेज बुद्धि वाला, अनुशासन में रहने वाला और शक्तिशाली है। इसका पारिवारिक और सामाजिक जीवन बहुत उन्नत है। चींटी के घर को बाम्बी कहते हैं। यह ऊपर से एक साधारण सुराख सा दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर पूरा एक शहर बसा होता है। चींटियां अपना घर बनाने के लिए ऐसा स्थान चुनती हैं, जहां वर्षा का पानी न पहुंच सके। वे गहरी खुदाई करके लंबी लंबी सुरंगें बनाती हैं। सुरंग में से मिट्टी निकालकर घर के बाहर चारों ओर ऊंची दीवार सी बना देती हैं। यह मिट्टी की दीवार किले के परकोटे की तरह इनकी रक्षा करती है। घर के अंदर लंबी, चौड़ी व साफ सुथरी सड़कें होती हैं। चींटियां अपने लिए सुंदर कमरे बनाती हैं। कमरों के आगे गलियारे होते हैं। चींटियां अपने निवास स्थान को बहुत साफ रखती हैं। चींटियों का काम करने का ढंग बड़ा अनोखा है। इनमें अधिकतर मजदूर चींटियां होती हैं। इनके काम बटे होते हैं। कुछ मजदूर चींटियां बाहर से खाने की चीजें लाती हैं, कुछ उन्हें ठीक प्रकार से रखती हैं व कुछ घर की सफाई करती हैं। इन्हीं चींटियों में से कुछ नर्सों का कार्य भी करती हैं। ये अंडों की देखभाल करती हैं, उन्हें धूप तथा हवा के लिए बाहर ले जाती हैं और फिर वापस ले आती हैं। अंडों को सुरक्षित रखने के लिए अलग कमरे होते हैं। चींटियों में ही कुछ सैनिक चींटियां भी होती हैं। वे अन्य चींटियों की अपेक्षा बड़ी होती हैं। ये चींटियां बहुत शक्तिशाली होती हैं और शत्रुओं से अपने घर की रक्षा करती हैं। कभी ये दूसरे दल की चींटियों पर आक्रमण करके उन्हें अपना बंदी बना लेती हैं। बंदी चींटियों से ये दास का कार्य करवाती हैं और इन पर कड़ी निगरानी रखती हैं। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि चींटियां अपने घर में गाय भी पालती हैं। ये उन्हें चराने बाहर भी ले जाती हैं। गाय चींटियां अपने बच्चों की पूरी देखभाल करती हैं। कुछ डॉक्टर चींटियां भी होती हैं, जो बीमार चींटियों को अस्पताल में रखकर उनकी देखभाल करती हैं। यदि किसी चींटी की टांग खराब हो जाती है, तो ये ऑपरेशन करके उसकी टांग काट देती हैं। अधिक बीमार या दर्द से कराहने वाली चींटी को मार दिया जाता है। चींटियां परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता का ध्यान रखती हैं। बूढ़े, बच्चे व रोगी की पूरी देखभाल करती हैं और उनका भरण पोषण करती हैं। चींटियों में सहयोग, प्रेम और मेल मिलाप की तीव्र भावना होती है। ये सदैव एक पंक्ति में चलती हैं, आते जाते कुछ संकेत देती हुई चलती हैं। इससे दूसरी चींटियों को सहायता मिलती है। इन चींटियों के शरीर में से एक प्रकार का रस निकलता है। इसकी गंध से चींटियां अपना मार्ग ढूंढ लेती हैं। यदि किसी झुंड की चींटियां शत्रु झुंड से छूटकर आ जाती हैं, तो उनका खूब स्वागत किया जाता है। अपने झुंड की रानी चींटी का ये खूब ध्यान रखती हैं। चींटी के विषय में कवि पंत लिखते हैं, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक।
If you like our videos, please do share and subscribe to our channel.